अपनी दुनिया टीवी में खुश आमदी। नाज़रीन, खेलों को कभी भी करप्शन से पाक नहीं किया जा सका, और बिलखुसूस क्रिकेट की बात की जाए तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इसमें सरे फहरिस्त हैं। करप्शन और फिक्सिंग की जितनी ज्यादा दास्तानें पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी हैं, इतनी किसी भी बोर्ड और क्रिकेट टीम से नहीं जुड़ी। बात सलीम मलक की हो, वक़ार यूनस की, वसीम अकरम की, इंजमाम उल हक की, या पिछले दौर की बात की जाए, मोहम्मद आसिफ हो, सलमान बट हो या मोहम्मद आमिर, और क्रिकेट मैनेजमेंट की बात की जाए तो हर दौर के क्रिकेट मैनेजमेंट में से किसी न किसी प्लेयर पर और किसी न किसी जिम्मेदार पर फिक्सिंग का इल्जाम आता रहा है। आज ऐसा ही कुछ सुनने में मिला जब पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर सरफराज नवाज ने हालिया टीम की मैनेजमेंट के नाम ले लेकर फिक्सिंग के सबूत पेश किए हैं और बताया है कि ये किस तरह माजी में अपने अपने दौर में ये फिक्सिंग करते हुए आए हैं। सब सबूत आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वर्ल्ड कप और क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले बआसानी आपको मिल सके। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर कमेंट कीजिएगा। जी नाज़रीन, आप जानते हैं हंसी क्रोने हो या कोई और क्रिकेट हो, दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े नामवर खिलाड़ी फिक्सिंग में मुलव्वस नजर आते हैं। ऐसे ही पाकिस्तान के साबिका क्रिकेटर और साबिक फास्ट बॉलर सरफराज नाज ने बताया कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स कैसे मैच फिक्सिंग करते थे और कौन कौन सा प्लेयर मैच फिक्सिंग में मुलव्वस था। सरफराज नाज ने इस दौर में पाकिस्तान टीम के सिलेक्टर इंजमाम उल हक और पाकिस्तान के साबिक कप्तान भी रह चुके हैं, इन पर फिक्सिंग का इल्जाम आयद किया है। कहा कि साउथ अफ्रीका दौरे के दौरान इंजमाम उल हक की फिक्सिंग की थी और इंजमाम उल हक की शादी में भारत के रतन रीथा ने 10 लाख तोहफे में पेश किया था। तो अख्तर रसूल की एक रिपोर्ट छपती है अखबार में, जिसमें उसने दावा किया था कि इंजमाम उल हक साउथ अफ्रीका के दौरान 20 रन से ज्यादा किसी इनिंग में स्कोर नहीं करेंगे। फिर साउथ अफ्रीका के दौरे पर मौजूद पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान और हालिया सिलेक्टर इंजमाम उल हक ने ऐसे ही किया कि 5 इनिंग्स में किसी भी इनिंग्स में 20 से ज्यादा स्कोर नहीं किए। उस वक्त पाकिस्तान टीम के चेयरमैन पीसीबी जो थे जनरल जियाउल हक, उस वक्त के चेयरमैन पीसीबी जनरल तौकीर जिया ने इंजमाम उल हक को बुलाया और पूछा कि आपने फिक्सिंग की थी, तो कहा कि इंजमाम उल हक ने आगे से जवाब दिया, सभी प्लेयर्स करते हैं, मैंने कर लिया तो कौन सी अजीब बात है। इंजमाम उल हक के साथ साथ उन्होंने वक़ार यूनस की भी बात की कि वक़ार यूनस और नजम सेठी ये मिलकर फिक्सिंग करते रहे हैं और नजम सेठी जब भी आता है तो वक़ार यूनस को टीम मैनेजमेंट में लेता है जिस सूरत में भी ले, और इसकी बुनियादी वजह यह है कि ये दोनों फिक्सिंग करते हैं। सरफराज नवाज ने मजीद उमर अकमल और नजम सेठी पर भी इल्जाम आयद किए हैं। सरफराज नवाज के मुताबिक जब वर्ल्ड कप 2015 ऑस्ट्रेलिया में खेला जा रहा था तो उमर अकमल को 2 लाख डॉलर की ऑफर हुई थी। ऑफर करने वाला भारत का एक बुकी था जिसके घर पर नजम सेठी ने क्याम किया हुआ था, तो कहा कि नजम सेठी ने उमर अकमल को 2 लाख डॉलर की ऑफर एक भारतीय बुकी से करवाई थी और नजम सेठी हमेशा फिक्सिंग में मुलव्वस रहा है। और फिर सरफराज नवाज ने मजीद बात करते हुए कहा कि इंग्लैंड का हाल भी आपके सामने है, जब इंग्लैंड के दौरे पर मौजूद पाकिस्तान के साबिका कप्तान सलमान बट, दुनिया क्रिकेट के बेहतरीन फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ ने भी फिक्सिंग की थी। और सरफराज नवाज ने मजीद कहा कि वसीम अकरम भी 1999 के वर्ल्ड कप में ऐसा कुछ करते रहे हैं और ये पाकिस्तानी क्रिकेट और पाकिस्तानी साबिका क्रिकेटर्स हमेशा फिक्सिंग में मुलव्वस रहे हैं और ये ऐसे ही डीलें करते रहे हैं। सरफराज नवाज ने तमाम खिलाड़ियों के नाम ले लेकर और उनके दौरों के भी बयानात किए हैं कि कब कब इन्होंने फिक्सिंग की है। नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि सरफराज नवाज का दावा दुरुस्त है या नहीं, आप इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा।